हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल की खीर की एक नई रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध और इसे उबलने के लिए रख दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा 1 कप पानी मिला दूँगी। पानी मिलाने से हमारा दूध नीचे से जलेगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने भीगे हुए चावल लिए हैं, इसे आधे घंटे के लिए भिगो लिया था मैंने और इसे हाथों से तोड़ लिया है। अब 2 चम्मच घी ले लेंगे और इसमें 2 इलायची मैंने तोड़ कर डाल दी है, छोटी इलायची खुशबू के लिए। और अब इसमें ये चावल डाल दिया और इसे थोड़ी देर तक हम चलाते रहेंगे, हल्का भून लेंगे। इसमें मैंने डाला है ग्रेटेड नारियल, किशमिश और बादाम डाल लिया है मैंने। आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, आप केवल चावल की खीर भी बना सकते हैं। इसे थोड़ी देर हमें भून लेना है, इसका पानी सूख जाए। अब ये देखिए तैयार हो गया है। ये अब ये दूध हमारा उबल चुका है, अब इसमें हम ये चावल जो भुने हुए हैं उसको ऐड कर लेंगे। चावल को इसलिए भुना जाता है ताकि इसका जो एक सोनापन है वो आ जाए इसमें और एक अजीब सी जो महक होती है वो निकल जाएगी इसके, और ये खीर बनने के बाद ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब इसको धीमी आँच पर धीरे धीरे हमें पकने देना है, हमें इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। ये जब तक पक जाए तब तक इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है। अभी खीर में चावल हमारे आधे पक चुके हैं और खीर भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। मैंने यहाँ अमूल का मिठाई मेट लिया हुआ है और ये 200 ml था, मैंने इसमें से 100 ml डाला है। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं और इसे धीरे धीरे धीमी आँच पर पकने देना है ताकि ये और गाढ़ा होता जाए। कंडेंस मिल्क डालने के बाद आपको इसमें चीनी या और कोई भी खोआ वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी से गाढ़ा होता जाएगा। देखिए धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगा है। अभी हमें इसी तरह पकने देना है। चावल हमारा पक चुका है, 5-10 मिनट इसे और पका लेंगे हम, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। खीर जितनी ठंडी होगी ये उतनी ही अच्छी लगेगी। अब इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है, बादाम से गार्निश करके इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये जब ठंडा हो जाए तब इसे सर्व कीजिए। खीर ठंडी होने पे इसका स्वाद दुगना हो जाता है। देखिए ठंडी होने पे खीर में एक परत आ गई है मलाई की, जो बहुत ही अच्छी लगती है। अब इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को चढ़ाइए ये हाथ से बनी हुई चावल की खीर। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।